बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने दमदार मूवीज के लिए जाने जाते हैं और अजय देवगन भी उनमें से एक है। अजय देवगन साल 2021 और 22 में कई दमदार मूवीज लेके आ रहे हैं और उनके अपकमिंग मूवीज की लिस्ट हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो लिस्ट को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भुज, भुज एक अपकमिंग मूवी है। ये एक वॉर एक्शन मूवी है। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक धूदिया। फिल्म इंडिया पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड होगी। कहानी है भुज एयरपोर्ट की, जहां वॉर के दौरान वहाँ के 300 लोकल महिलाओं ने मिलकर एयरफोर्स की मदद की थी उस एयरपोर्ट को दोबारा चालू कराने में। वैसे तो फिल्म की अनाउंसमेंट साल 2019 में ही हो गई थी। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा नजर आएंगे संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेही, शरद केलकर। इस फिल्म में आपको बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगा। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये फिल्म 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। मैदान। मैदान अजय देवगन स्टार एक अपकमिंग बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। फिल्म में अजय देवगन फुटबॉल खेलते हुए दिखेंगे और फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में इंडियन फुटबॉल इरा 1952 से 1962 के बीच को दिखाया जाएगा और फुटबॉल के लिए अब्दुल रहीम के कंट्रीब्यूशन को भी दिखाया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमित शर्मा और फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है जी स्टूडियो और ये फिल्म अक्टूबर 2021 में रिलीज हो सकती है। कैथी। कैथी साल 2019 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया था लोकेश कंगराज ने। ये फिल्म 2019 की एक दमदार फिल्म थी और अब इस तमिल मूवी का हिंदी रीमेक आने जा रहा है, जिसे फरवरी 2020 में ही अनाउंस कर दिया गया था। इस फिल्म में भी लीड रोल में नजर आएंगे अजय देवगन और अजय देवगन इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू कर सकते हैं और ये फिल्म 2020 में रिलीज हो सकती है। दर्शक इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही काफी एक्साइटेड है। थैंक गॉड। थैंक गॉड एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह। साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे इंद्र कुमार, जो कि कई सारे कॉमेडी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2021 में हुई थी। वैसे तो इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, जो कोविड के चलते रुक गई थी और खबरें हैं कि इस फिल्म की शूटिंग दोबारा जल्द स्टार्ट हो सकती है। फिल्म से जुड़ी ज्यादा खबरें तो सामने नहीं आई है, मगर खबर है कि ये फिल्म 2022 में रिलीज हो सकती है। दृश्यम 2। लिस्ट की अगली फिल्म एक मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है। दृश्यम, जो कि 2013 में रिलीज हुई एक मलयालम फिल्म थी और ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसके सक्सेसफुल होने के बाद 2015 में इसका हिंदी रीमेक बना, जिसमें लीड रोल में नजर आए अजय देवगन और ये फिल्म बॉलीवुड की एक दमदार सस्पेंस फिल्म साबित हुई और अब इस फिल्म का ही पार्ट 2 आने जा रहा है। हाल ही में इस फिल्म को भी अनाउंस किया गया है। इस फिल्म में भी अजय देवगन ही लीड रोल में नजर आएंगे और ये फिल्म भी 2022 में रिलीज हो सकती है। RRR। RRR एक अपकमिंग कॉमेडी पीरियड ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं SS राजामौली, जो कि बाहुबली जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। वैसे तो एक तेलुगु फिल्म होगी, मगर ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी और फिल्म में नजर आएंगे साउथ के सुपरस्टार एनटी रामाराव, रामचरण और आलिया भट्ट। साथ ही इस फिल्म में भी अजय देवगन नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए उनके लुक को रिवील कर दिया गया है। ये फिल्म 2021 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। वैसे तो फिल्म डेट अभी तय नहीं है, मगर ये फिल्म भी 2021 में ही रिलीज होगी। मेडे। मेडे अमिताभ बच्चन अजय देवगन स्टार एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म में रकुलप्रीत सिंह भी नजर आएंगे। फिल्म में अजय देवगन एक पायलट के रूप में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट भी अजय देवगन ही करेंगे। फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कई पिक्चर्स हाल ही में सामने आई हैं। फिल्म से जुड़ी वैसे तो ज्यादा खबरें सामने नहीं आई हैं, मगर ये फिल्म भी 2022 में रिलीज हो सकती है। गंगूबाई। गंगूबाई एक अपकमिंग बायोग्राफिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे लीड रोल में दिखेंगी आलिया भट्ट और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे संजय लीला भंसाली। इस फिल्म में अजय देवगन भी कैमियो करते हुए देखेंगे, साथ ही इमरान हाशमी भी इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। वैसे तो फिल्म जुलाई में रिलीज होने वाली थी, मगर कोविड के चलते डिले हुई और अब इस फिल्म का रिलीज डेट अभी तय नहीं है। रुद्र। रुद्र हाल ही में अनाउंस हुई एक वेब सीरीज है, जिसमें लीड रोल में नजर आने वाले हैं अजय देवगन और इस वेब सीरीज का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज होगी और ये एक ब्रिटिश वेब सीरीज लूथर का रीमेक होगा। सीरीज की कहानी में आपको जबरदस्त एक्शन और सस्पेंस देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज की शूटिंग जल्द ही स्टार्ट हो सकती है और ये वेब सीरीज भी साल 2021 के अंत तक रिलीज हो सकता है। लिस्ट में आखिरी मूवी है चाणक्य। चाणक्य इस मूवी को हाल ही में अनाउंस किया गया है और इस मूवी में लीड रोल में दिखेंगे अजय देवगन। इस फिल्म को लेके आ रहे हैं नीरज पांडे और खबरें हैं कि ये फिल्म अक्टूबर में फ्लोर पर आ सकती है। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी होगी, जिसमें अजय देवगन चाणक्य के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म से भी जुड़ी अभी ज्यादा खबरें सामने नहीं आई हैं, मगर ये फिक्स है कि इस फिल्म में भी अजय देवगन ही नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी मूवीज में से आप अजय देवगन की किस मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।